शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। एक सिलेंडर बदलने में इतना टाइम लगता है, और ये स्मेल कहाँ से आ रही है? मैम साहब, पाइप को चूहे ने कुतर दिया है, इसलिए लीक हो रहा था। अब जब तक दूसरा पाइप नहीं लगेगा, तब तक सिलेंडर भी नहीं लगेगा। अरे तो क्या हो गया, गैस वाले को फोन कर दो और नया गैस पाइप मंगवा लो। आज तो दुकान बंद है, कल आएगा वो। अब हम प्रिंस के लिए खाना कैसे बनाएंगे? वो क्या खाएगा? और उर्वशी मैम साहब, वो तो बाहर का खाना खा भी नहीं सकते। तुम जाओ, बाजार जाओ, कोई ना कोई दुकान खुली होगी, जाओ। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बड़ी मैम साहब। ये गैस वगैरह तो बहुत शहरी चीजें हैं। हमारे गांव में तो चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं, और उसका स्वाद भी बहुत अलग होता है ना गहना? ये बहुत अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम आज खाना चूल्हे पे बनाएं? गहना, तुम्हें चूल्हे पे खाना बनाना आता है ना? वो तो हम भी बना लेते हैं, हम गहना की मदद कर देंगे बड़ी मेम साहब। बेटा, तुम अब ड्राइवर नहीं रहे, हमारे दामाद हो। और मैं बड़ी मेम साहब नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ। नए रिश्ते तो हमने जोड़ लिए, पर पुरानी जिम्मेदारियों से अपना नाता नहीं तोड़ा है। इन नए रिश्तों को समझने और अपनाने में हमें अभी थोड़ा वक्त लगेगा। अभी जाके उर्वशी मैडम को बताती हूँ कि यहाँ क्या रासलीला चल रही है। हाँ, इससे चूल्हा जलाने में आसानी होगी। ये ले जाते हैं। शहर की लड़कियों की तरह यहाँ की लकड़ियां भी जिद्दी हैं, चलती नहीं है। याद है चुईया, जब बचपन में हमारे चेहरे पर ऐसे काली लग जाती थी तो तुम बिल्कुल ऐसे ही हंसती थी, और फिर जब हम तुम्हारे दुपट्टे से अपना मुंह साफ करते थे ना, तब तुम्हारी हंसी जाती थी। अब हमारी हंसी रोकने के लिए आपको कोई बहाने की जरूरत नहीं है मालिक, हमारे चेहरे की हंसी खुद ही गायब हो गई। आप जाइए, मुंह धो लीजिए अपना, ये काम हम खुद कर लेंगे। उर्वशी मैडम, आप यहाँ बेड पे लेटी हुई है, वहाँ वो गहना आपके पति के साथ मिलकर आपकी गृहस्थी में आग लगा रही है। आई मीन चूल्हा जला रही है, खाना बना रही है वो। झुमकी, तुम ना अपने काम से काम रखा करो, और जाकर मेरा लेटर ढूंढो और निकलो यहाँ से। क्यों इतना चिल्ला रही हो तुम? डॉक्टर ने मना किया है ना गुस्सा करने से। तो फिर और क्या करूँ माँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने डफर्स की ना फौज भर रखी है इस घर में, एक काम नहीं होता इन लोगों से।
मुझे कॉल आया था फ्लेम से। उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिया है उसकी एक लेटर भेजी गई है मुझे। उनका सर्वर डाउन था तो वो मेल नहीं कर पाए। उस लेटर में उस इवेंट के सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स और इंफॉर्मेशन थी, और अब वो लेटर नहीं मिल रहा है मुझे, तो मैं क्या करूं? हम तो नीचे से ही आ रहे हैं, हमें तो कोई लेटर वेटर दिखा नहीं। बहुत अजीब बात है ना, उन्होंने कहा है कि घर में से ही किसी को वो लेटर दिया है और अब जिसको पूछो उसको पता नहीं। मैम साहब, आप इसे ही ढूंढ रही थी ना? ये तुम्हें कहां से मिला? वो हम कूड़ेदान में पुराने अखबार लेने गए थे चूल्हा जलाने के लिए। जब हम चूल्हा जलाने जा ही रहे थे कि ये तो उर्वशी मेम साहब का नाम लिखा है। आपका नाम हमने देखा इस पर, इसलिए बस आपके पास लेकर आ गए। ये गहना हमेशा हमारे मंसूबों पर पानी फेरती है, इसे तो छोड़ेंगे नहीं हम। तुम्हारी मेरे इतने इंपॉर्टेंट लेटर को चूल्हे में जलाने की, वो कौन तुम? औकात क्या है तुम्हारी? वजूद क्या है तुम्हारा? पहचान क्या है तुम्हारी? तुम्हें अंदाजा तक नहीं है कि आज जिस पोजीशन में मैं हूँ वहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये झाड़ू बर्तन करके चार पैसे कोई भी कमा लेता है गहना, लेकिन मेरे मकाम तक पहुँचने के लिए टैलेंट और किस्मत दोनों की जरूरत होती है, जो तुम्हारे पास नहीं है। और गहना ने तुम्हारा खत जलाया नहीं, तुम्हें लाके दिया है। पता नहीं किस बेवकूफ ने उसे रद्दी में डाल दिया था। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए, तुम उसे ही उल्टा सुना रही हो। शुक्रगुजार किस चीज का माँ? अब मैं ही ऑर्डर पूरा नहीं कर सकती, ये ऑर्डर मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। बहुत बड़ा ऑर्डर है, इतना स्टॉक नहीं है मेरे पास, और मेरी हालत तो आप देख ही रही है। ऑर्डर क्यों कैंसिल करना है? गहना है ना, गहना कर देगी तुम्हारा पूरा ऑर्डर। पहले भी तो मदद किया था ना उसने, और मुझे गहना पे पूरा भरोसा है। जब हम सिर्फ एक नौकरानी है, और नौकरानियां सिर्फ झाड़ू और बर्तन करने के लायक होती हैं, मुझ जैसे टैलेंटेड काम करने के लायक नहीं। मम्मी जी, उर्वशी दीदी बिल्कुल सही कह रही है, घर के नौकरों को इतना सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। बस श्रेया, ये बात मत भूलो कि कितनी बार गहना ने हम सबको मुसीबत से बचाया है, और तुम गहना ने पहले भी मदद की थी ना तुम्हारी, तो अब क्या हो गया? माम, अगर मेरी बात समझ। बड़ी मैम साहब ठीक कह रही हैं। और हमारा भी यही मानना है, गहना से बेहतर इस कंपनी को कोई और नहीं बचा सकता। काम को कम समय में करने की कला और मेहनत सिर्फ गहना के पास में है। अच्छा, हमें भी क्लाइंट का फोन आया था, हमने उन्हें कह दिया है कि उर्वशी फैशन हाउस ने ना आपको कभी पहले निराश किया है और ना ही अब करेंगे। नहीं, चाहे कोई कुछ भी कहे, एक नौकरानी मेरा ऑर्डर पूरा नहीं करेगी, मतलब नहीं करेगी, चाहे मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ऑर्डर कैंसिल करना पड़े, एंड दैट्स फाइनल। वाह, ये तो खुद ही अपने करियर की नस काटने पर तुली हुई है, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। कौन तुम? औकात क्या है तुम्हारी? वजूद क्या है तुम्हारा? पहचान क्या है तुम्हारी? वो झाड़ू बर्तन करके चार पैसे कोई भी कमा लेता है गहना, नौकरानियां सिर्फ झाड़ू और बर्तन करने के लायक होती। मालिक, आप जाइए यहाँ से। नहीं गहना, जब तक तुम ये ऑर्डर पूरा करने के लिए हामी नहीं भरती हो ना, तब तक हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे। मैं सब मान गई, मैं सब बिल्कुल सही कह रही थी, ये काम पूरा करने के लिए हम ना तो काबिल हैं और ना ही हम में कोई काबिलियत है। अगर हम हैं तो एक नौकरानी ही ना,
तो क्या हुआ अगर अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं, इज्जत कमाना चाहते हैं, करते तो हम लोगों के घर पे बस झाड़ू पोछा ही है, और आखिर आखिर हम बर्तन धोने वालों की क्या ही औकात। तो क्या हुआ अगर हम हमने एक बार उनका काम पूरा कर भी लिया था, उससे क्या फर्क पड़ता है? एक बार काम करने से कोई काबिलियत थोड़ी आ जाती है। इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।